चलो बेसिक पे जाते हैं। इन्होंने बोला खुशी के लिए, क्या खुशी, खुशी से ज्यादा एक उम्मीद के लिए चाहिए बच्चा। पता है क्या, कि एक दिन हम बूढ़े होने वाले, बुढ़ापे का आधार किसके लिए चाहिए, बुढ़ापे का आधार। क्या है सबको अपना बच्चा अच्छा इसलिए चाहिए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। बेटी भी आजकल उसी के साथ मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के लिए मैंने सब कुछ निर्चावर कर दिया कि वो सक्सेसफुल बनेगी, वो अपने पापा को और मम्मी को भी संभालने की ताकत रखती है। आज ये यही करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़का हो लड़की, इसलिए मैंने लड़का नहीं बोला, मैंने लड़की नहीं बोली, मैंने बोला बच्चा, क्योंकि आज लड़कियां भी कम नहीं है, एक लड़की है इसलिए मेरे को मैंने सब दांव पे लगा दिया उसमें, और मुझे पता है अगर ये तैयार हो गई तो मुझे बुढ़ापे में लड़की लेके यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, वो मेरा सहारा बनेगी। राइट करो, अपने बच्चे पे आप कितना खर्चा क्यों करते, क्यों एजुकेशन, आज एजुकेशन पे लोग पैसे डालते नहीं जाते, पैसे डाल रहे हैं बड़े फीस तो देखो आप, बच्चे की प्राइमरी स्कूल ये स्कूल में बड़े बड़े फीस देना पड़ता है, क्यों डाल रहे हो, इंग्लिश बोले अच्छा पढ़े ये करे कुछ स्किल करे क्यों, ताकि वो अच्छा बने, अच्छा क्यों बने, अच्छा कमाए सोसाइटी में अच्छा नाम करे, ये वो फिर किसका काम, मेरा ध्यान रखे कि बाजू वाले का ध्यान रखे। सोचो आप सब कुछ कर रहे हो बच्चे के लिए और बच्चे बाजू वाले का ध्यान रख रहे हैं, नहीं ना, वो तो आप चाहोगे ना। और हर बच्चा जिसको आप प्यार और दुलार से पालते हो वो माँ बाप को भूलता नहीं है, इतने तो संस्कार आदि बचे हुए हैं हमारे भारत में, और भारत में छोड़ो पूरी दुनिया में ऐसा है। तो जब आप इतना एफर्ट डालते हो उस बच्चे के लिए 20 साल, क्यों 20 साल डालने के बाद शायद जब और 5 साल 10 साल के बाद ये हमारा सहारा बनेगा, ये तुम्हारा पीएफ तुम्हारा LIC उससे भी ज्यादा गारंटीड वाला प्लान है। राइट और रॉन्ग, इसीलिए बच्चा चाहते लोग सारे लिए BHM का जो ID है ना, एक बच्चा है। राइट और रॉन्ग, इसको भी आपको 10-15-20 साल रखना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा सब कुछ, देने के बाद 20 साल के बाद मैंने देखा हुआ है लोग ऐसे ऐसे वो कुछ नहीं कर रहे, उनकी बुढ़ापे की सहारे की लकड़ी जो है उनकी BHM की ID में जाती है, उससे जो भी बोनस आते हैं वो हर सपना पूरा करते हैं, उससे हर सपना जो बच्चा माँ बाप को घुमाने वाला था पूरी दुनिया ये BHM का ID कर रहा है। मलेशिया 3 जन जा रहा है, ये BHM का जो ID वाला बच्चा लेके जा रहा है। राइट, इसको पालो, इसको समझो, इसको जैसे आप समझ गए इसको पालोगे, इसमें आपको कुछ देना पड़ेगा, एफर्ट टाइम संस्कार देने पड़ेंगे, इसी संस्कार के हैबिट से बच्चे में भी संस्कार आएंगे, और लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके ID से नहीं जुड़ते, BHM से नहीं जुड़ते, किससे जुड़ते वो आपसे, आपकी प्रकृति वही होनी चाहिए जो BHM के फाउंडर की है, उसमें कहीं भी आपकी झलक नहीं होनी चाहिए, वो डॉक्टर लिम आप भी डॉक्टर लिम होने चाहिए, जैसे ही आप दोनों सेम हो गए जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ होगा। राइट और रॉन्ग, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने की जो आप बोल सकते हैं ताकत डॉक्टर लिम में थी, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी, आपको सिर्फ उनके जैसा बनना है, बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम है। बीच में कौन आता है पता है, आपके और आपके डॉक्टर लिम बनने के बीच में आता है हम, मैं, मेरा, ये जो आता है ना, ये हम आ गया वहां बिगड़ गया, वहां पूरा डिस्टॉर्शन हो गया, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही हमें, अब डॉक्टर लिम नहीं दिख रहे, कुछ और ही दिख रहा है, कोई और ही व्यक्ति दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BHM का कल्चर, डॉक्टर लिम की फिलोसफी, इसको जानो, मैंने देखा है इसकी ताकत, पिछले 2 साल की संगत ने मेरी जिंदगी बदल दी पूरी तरह। आज जिस सिर्फ सपनों में देखता था कि कभी कभी यहाँ हुआ बड़े बड़े मॉम से मिलूंगा, आज वो मॉम से मैं नहीं मिलता हूँ, वो मुझे मिलने के लिए तरसते। सोचो मैं समझता ये शून्य करते करते उल्टी गिनती करवाता है, इसकी क्या मतलब है, ये उल्टी गिनती करते करते पूरी दुनिया उल्टी कर दी, और उल्टी दुनिया बहुत खूबसूरत है सच में, बच्चे जानबूझ के उल्टा क्यों नहीं देखते, मेरे समझ गया मेरे को भी, क्योंकि सीधी दुनिया सही नहीं है, उल्टी करके देखोगे तो बहुत मजा आता है। और यही चीज अगर आप देखोगे कि BHM में आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जहां है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां आपने हिम्मत करके कुछ करना चाहिए। लेकिन हिम्मत को क्या रोकता है हमारा, हम
हमारी एक अंदर की डर, क्या आने वाला भविष्य क्या कहेगा, ये क्या होगा, इसने क्या बोला, क्या होगा मैं अगर इतना दूंगा तो ये करूंगा, कितने सारे विचार। जाके पास्ट को देखो, इस कंपनी ने कितने लोगों की जिंदगी बदली, कितने लोगों की। आज हमारे इंडिया के ग्राउंड एम्बेसडर प्रवीण सालों के कल कतार में थे, वहां से फोटो खींचा, 2000 लोग कतार में एक बड़े कॉन्फ्रेंस में उनको सुन रहे, बड़े बड़े बाबा को सुनने के लिए भी इतने टाइम लोग नहीं आए, और यहाँ पे देखो सिर्फ इनकी कहानी सुनने के लिए आए, और कुछ नहीं, वो कोई ज्ञान की पुड़िया नहीं बांट रहा, वो सिर्फ अपनी कहानी कह रहा है कि मेरी जिंदगी क्या थी, मैं कैसे लेंथ मशीन चलाता था, आज कैसे उठ के मैं आप लोगों के सामने आ गया, और यही जिंदगी का असली खेल है कि अपनी जिंदगी की एक कहानी बनाओ, एक स्टोरी बनाओ। बीइंग सिर्फ एक स्क्रीन है, इसमें तो आपकी पिक्चर चलनी चाहिए, राइट नो, क्योंकि वो पिक्चर चलने के लिए जितने साउंड चाहिए, जो लाइट चाहिए, जो कैरेक्टर चाहिए, वो डीएक्शन ने दिए हुए हैं आपको। प्रोडक्ट्स है, अपॉर्चुनिटी है, बोनस है, सब कुछ है। पिक्चर तो आपने, कहानी आपकी, सब कुछ आपने करना चाहिए। स्क्रीन पे टेलीकास्ट भी आपने करना चाहिए, देखने वालों के लिए भी खुला नहीं करनी होता, आपने देनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो मेरा एक ही कहना है कि आदत ऐसी सक्सेस वाली बनाओ जो ऑटोमेटिकली काम करे। समझे, मैंने एक ड्राइवर देखा, ड्राइवर की एक आदत हो गई है ना, ड्राइवर मशीन जैसे काम चलाता है, वो उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको बराबर उसमें सब कुछ मशीन, उसकी मशीन ऐसी है कि वो गाड़ी चला चल रहे इधर पूरी भी फोड़ रहा है, वो भी मशीन, वो कौन सी पूरी घोड़ा, उसको ये भी मालूम है किधर से फोड़ने हैं, क्या करना, देखता भी नहीं उधर, उसकी मशीन चालू है, बिना पूरी के उसकी गाड़ी चलती नहीं है, समझ में है। तो आदमी मशीन है, इस मशीन को अगर टैप कर ली तो, अगर सक्सेसफुली भी अगर टैप कर दी, इसको बना दिया आदत से, तो डेफिनेटली हमारे लिए सक्सेस सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेप है। ओके, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन जिसके पास है वही आदत बना सकता है, जो आदत बना सकता है वही उसको बार बार करते हुए उसको इजीली कर पाता है। तो डिसिप्लिन कहां से बनाए, कुछ तो करो रोज एक चीज डिसिप्लिन के साथ। मुझे जब बताया गया डिसिप्लिन ये बनता है, तो मुझे बोला कुछ ऐसी चीज जो तू हर रोज कर सके, तो अभी क्या हर रोज हम लोग उठते बैठते ये तो सब चीजें करते हैं, फिर मेरे एक डिसिप्लिन के लिए ना बोलते कसम लेना पड़ेगा, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, कोई भी चीज की छोटी सी भीष्म प्रतिज्ञा लो महाभारत शुरू हो जाएगा। बोला ठीक है, तो फिर मैंने देखा चलो बेसिक में बर्तन हमेशा रहते हैं, बाई आती है कभी नहीं आती है, तो मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। ओके, कि जब भी बर्तन दिखेंगे दो दूंगा, ठीक है ना, अच्छी वाली है, इजी वाली है, तो कोशिश माइंड क्या करता है कि बाई आने के बाद जाएगा किचन में, तब तक धुल के निकल जाएंगे। फिर जब देखा एक बर्तन था, चलो ठीक है प्रतिज्ञा ली है, सामने बर्तन है गोला हो गया, धो के रख दिया, फिर आदत बन गई कि दिखा तो धोना पड़ेगा, दिखा तो धोना पड़ेगा। लोग भी जैसे बीवी और बच्ची बराबर देखते, पापा जा रहे किचन में, उसके पहले बाद में पहले दो बर्तन कर देते नहीं है, तो भाई भी आने लगी लेट, भैया धोते, ओके भैया धोते, भैया ने कसम खाई है, तो भैया धोने लगे। अब मेरे पास हर रोज बहुत सारे बर्तन होते, मैं धोता हूँ, और लेकिन एक चीज होगी डिसिप्लिन होगी, मेरा माइंड मेरी डिसिप्लिन में की वजह से हर चीज ऑर्गेनाइज करने लगा, और मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे कहीं भी आपने बोल दिया कि बर्तन धोने के लिए मेरे को बर्तन देना, मेरे दुनिया का सबसे अमेजिंग मजेदार और सबसे सुखदायक काम है। और मैं भाई को भी, भाई को ऐसे बोला कि ये ताकि पागल है, सुबह उठता हो कभी कभी बीवी अपने बर्तन ऐसे रख देती है सुबह कि भाई आएगी सुबह वाली वो साफ करेगी, मैं उठता हूँ बर्तन कॉफी पीने जाता हूँ, अपनी कैटल गर्म करके वहां देखता हूँ कि साशे मिशन पीऊंगा, देखता हूँ कितने सारे बर्तन, अब क्या करें, बीच प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, हाँ करनी पड़ेगी पूरी, वो एक रही कॉफी साइड में डालो पीसो, आधा घंटा पहले पूरे जो बर्तन थे उन्हें मसाज हो गया, इनको रेस्ट के लिए डाला, फिर कॉफी लेके हम बैठे। ये होते हैं डिसिप्लिन। तो डीएक्शन में भी आप कोई भी एक डिसिप्लिन करो, मीटिंग अटेंड करना, दुनिया का कुछ भी हो जाए अटेंड करो, अच्छा है बुरा है ये कॉन्सेप्ट मत रखो, सही था गलत था मत रखो, क्योंकि याददाश्त जो है ये बदलती है, हमें हर चीज याद नहीं रहती, हमको एक ही चीज याद रहती है, अनुभव कि कैसा लगा था,
उस दिन कैसा लगा था? अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? वो याद नहीं है यार, लेकिन अच्छा लगा था ये मालूम। ये होता है अनुभव। हर वक्त हर मीटिंग में जाते हो अनुभव लेने के लिए जरूर जाना कि कैसा लगा था। और गिल्से के साथ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जब भी जाओ जिस व्यक्ति के साथ भी मिलो, कोई इनके प्रोडक्ट के बारे में भी सुनो, किसी कहानी भी सुनो, एक चीज आपको 100% मिलेगा, अच्छा लगेगा, गारंटीड अच्छा लगेगा। इसलिए आप गिल्से के जो ये हमारा मिशन है, नेक्स्ट मिशन, वी आर ऑलमोस्ट टेकिंग अ मिशन टू 200 crores, मतलब हम तीन गुना बढ़ाने की अभी बात कर रहे हैं। उसके साथ आपके प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ रहे हैं, हमारी फैक्ट्री आ रही है, ये सब चीजें होते होते प्रोडक्ट का रेंज बढ़ेगा, हमारी सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगी और बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मैंने जैसे बताया ना, वो शून्य एक लेवल था, ऐसा शांति की हो किसी की, सबको लगा शून्य क्या हो गया, कब खत्म हो गया, नहीं, जब शांति आती है तो तूफान आने वाला है, मतलब जब शून्य आया था ना तो सबको लगा अभी क्या रिएक्शन, ऑलमोस्ट ये क्या कर रहे बाबा गिरी नहीं था, वो शांति पहले ही थी ताकि तूफान के लिए रास्ता बना कर रखे जो भी आने वाला है। इसलिए तूफान में आप लोग सब भागीदार बनो, इतनी बड़े कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, अगर नेटवर्किंग ऑप्शन यहाँ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, अगर पैसा यहाँ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, अगर यहाँ आपके चेक 8, 10, 20, 25, 50 लाख 1 करोड़ के नहीं हो सकते तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकते। यही एक जगह है, यही दुनिया है, यही सब कुछ है। और आप तो यहाँ कहाँ पे हो? मुंबई में तो खचा खच भरा हुआ है, बरोबर है, आपने कॉफी पी, नशा बाजे वाले को आ सकते, इतने नजदीक रहते हो तुम लोग, राइट और रॉन्ग? इतना है इतना फैलना चाहिए मुंबई में कि अगली टाइम मुंबई का नाम ही बोलना चाहिए, अच्छा मुंबई वहां जाए डीएसएन का प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा होना चाहिए। इसको फैलाने का काम आपने करना चाहिए, जितना आप करोगे। अब जैसे पूना है ना, पूना कुछ टाइम पहले किसी को नहीं मालूम था डीएसएन में पूना, अब सबको मालूम है पूना, पता है मुंबई नहीं मालूम, वो बोलते हैं मुंबई, बोलते हैं अच्छा मुंबई कौन, अभी ना पुणे, हाँ यहाँ यहाँ डॉक्टर राजेश, हाँ हाँ पुणे फ्रॉम देयर सम 200 किलोमीटर इन मुंबई, हाँ आज मैं बन गया पॉइंट जहां से मैं मुंबई के बारे में बता रहा हूँ, उल्टा कर सकते हैं हम लोग, आप बन सकते हो पॉइंट जहां से पूरी दुनिया के बारे में पता चले कि ये है मुंबई और यहाँ है डीएक्सएल, ओके, एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कोई भी नजदीक भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप, लीडरशिप के लिए लीडर होना चाहिए, अगर कुछ लगे मेरे पास आओ, अभी मेरी कुछ तो मतलब औकात है कि मैं अब सुन सकता हूँ और कुछ कर भी सकता हूँ, अब मेरे पास कान भी है, पैर भी है और हाथ भी है, तो आपकी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगे तो हम पक्का डिस्कस करेंगे, हमारे साथ हमारे जो साउथ के मैनेजर है वो खास आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा चलो मैं भी आ रहा हूँ तो कुछ इनके लीडरशिप से, और सबसे बड़ी ग्रीन लीडरशिप यहाँ बैठी हुई मुंबई की, सबसे ग्रीन लीडरशिप, तो बोले जहाँ पे मक्खन ही निकल रहा है तो वहां तो हम लोग पहुंचेंगे, तो फिर वो भी आए और आपसे कुछ भी अगर आपकी कुछ इश्यूज रहेंगे डिस्कस करने के लिए पक्का करेंगे। मेरे यहाँ आने का एक ही मकसद था आपको सपोर्ट करना कि बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और सिर्फ आपके अंदर एक उम्मीद लाने के लिए कि अब तक जो आपने बच्चे को पाल के संभाल के रखा था, अब बच्चे को कहीं ना कहीं पंख खाने वाले वो आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है, एक ऐसे सपने पूरे करने वाली मशीन बनने वाली आपकी आएगी कि आप भी अचंभित हो जाओगे कि इस आदमी ने जो डॉक्टर लिम ने हमें क्या दिया, एक अद्भुत जादू की छड़ी दे दी जिससे मैं जो चाहिए वो कर सकता हूँ, ओके। तो ये बहुत पॉसिबल होने वाला है कि हम चारों तरफ से मुहिम चला रहे, आपको अंदाजा भी नहीं कि कहां से क्या हो रहा है, युद्ध ऑलरेडी जीत चुका है, ओके, और इस धर्म युद्ध में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि टीसी का हर चीज सच्चाई के बेसिस पे बना हुआ, हर चीज फ्रॉम प्लान प्रोडक्ट इवन उस आदमी की नियत, आज तक टीसी ने बनाया हुआ 1 रुपया, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हमने ड्यू डिलीजेंस किया, टीसी ने इंडिया में बनाया हुआ 1 रुपया इस कंट्री के बाहर नहीं गया, और मुझे तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है राजेश इस कंपनी से जितना भी पैसा बनेगा इन फ्यूचर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंडिया के लिए यूज करना।
वो मैं जब वो बोलते मेरा इंडिया ये कोई बाहर वाला जब मेरा इंडिया बोलता है ना तो फिर जो जोश आता है ना हमें कि एक बाहर वाला है मलेशियन यू नो वो इंडिया के बारे में इतना प्यार रखता है आदर रखता है सम्मान रखता है तो फिर हम तो क्या करना चाहिए हमने तो अपनी पूरी जान बिछावर कर देनी चाहिए इस छत्र छाया के नीचे अपने देश का कोबरा जो लहराना है हमको ये फ्लैग को लहराने का सबसे बड़ा आज दुनिया में जब कोविड हुआ था ओके सब लोग बहुत डरे हुए थे तो हमने शून्य शुरू किया पूरी दुनिया में गुड मॉर्निंग से बीएसएन जाना जाता था लेकिन अभी क्या जाना जाता है नमस्ते देखो एक कल्चरल शिफ्ट हमने लाया अब आप पेरू में जाओ तो डॉक्टर को देखिए क्या बोलते पता है नमस्ते डॉक्टर सोचो मेक्सिको में जाएंगे तो नमस्ते चाइना में गए तो नमस्ते मलेशिया में गए तो नमस्ते जो गुड मॉर्निंग था वो भी नमस्ते में बदल गया आप समझे मेरे को ये है पावर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की और डॉक्टर लिम जैसे इन्फ्लुएंसर मैंने तो नहीं देखा ओके जब हम 10,000 लोगों को लेके बोध गया में चाल चल रहे थे एक नजारा था जो पूरी दुनिया को मिला दिया था कि ऐसे 10,000 लोगों को आदमी लेके बैठ नहीं सकता है फिर हमने लुम्बिनी में 5,000 लोगों को लेके एक बार में बिठाया उनका सेशन क्या था पता है आपको 5,000 लोग आए थे यहाँ वहां से सब बैठे थे आपकी तरफ नीचे जमीन में बैठे थे तुम बैठो भाई तू येलो ये उनका सेशन चल रहा है कितनी देर आधे घंटे के लिए ओ येलो येलो यू सिट डाउन डोंट मूव यू यू कैमरा मैन यू सिट डाउन आधा घंटा उनको लगा सब बैठो नो मूविंग अच्छा सब देखा होगा आधा घंटा सब लोग बैठ गए यू सिट डाउन ऐसा बोला दरवाजा बंद करो ये करो आधा घंटा मैं सोचा की ट्रांसलेट भी क्या करूँ नेटवर्क को ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना यू वही चल रहा था उनका फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए सबको शांत दिखाया इतनी शांति की अगर तुम सुई नीचे देखो थोड़ी आवाज सुनेंगे इतनी शांति रखी उन्होंने और सबको बोला अब सिर्फ अपनी सांसें दे सब लोग 5 मिनट बैठे 9-0 उन्होंने किया अच्छा एक्सपीरियंस दिया और उन्होंने फिर बस नहीं कर पाया और बाद में उन्होंने एक चीज बताई थैंक यू सो मच क्योंकि मेरे ये जिंदगी का सबसे अद्भुत क्षण था 5,000 लोगों के बीचों में 5,000 सांसों के बीच में अपनी सांस को सुन पाया अपनी सांस को देख पाया और सब शांति महसूस की मुझे नहीं लगता और किसी ने इस दुनिया में ऐसा देखा होगा एक्सपीरियंस की वजह से आप लोगों की वजह से आज मुझे ये अनुभव हुआ तो उन्होंने थैंक यू बोला और आज भी डॉक्टर लिम के मुंह से एक ही चीज निकलता है कि आज भी जब मैं अपना खाना खाता हो तो रोटी खाता हो या कपड़े पहनता हो या गाड़ी चलाता हो वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माय नेटवर्कर्स अगर मेरे नेटवर्कर नहीं होते तो मेरे को खाने की भी बातें होती तो वो उतनी उदारता रखता है उतना रोज सुबह जो कोई भी व्यक्ति हो उसको एक ही चीज बताता है मैं हूं क्योंकि मेरा नेटवर्क है और मेरा नेटवर्क है इसीलिए मैं हूं और यही प्रिंसिपल अगर आप लेके चले कि आप हो क्योंकि आपका नेटवर्क है और आपका नेटवर्क है इसलिए आप हो कभी भी बैर से किसी के साथ रिश्ता मत रखना दुनिया में कहते हैं कि ऐसे धम्मो सनातनो कि ऐसा धर्म ही सनातन धर्म है जो बैर किसी का ना रखे तुम गुस्सा कर सकते हो चिड़चिड़ कर सकते हो लेकिन बैर नहीं कर सकते गुस्सा क्षण का होता है बैर जन्मों जन्मों की होती है अगर जन्म 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 लेना है और बैर में रहना है तो करते रहो बैर अगर मुक्ति चाहिए तो इसी पल गुस्सा आ गया बोल दो भूल जाओ चिड़चिड़ हुई बोल दो भूल जाओ नफरत को पलने मत देना अंदर उम्मीद ही अपने लिए सबसे बड़ा सहारा है आने वाले भविष्य के लिए ठीक है और मुझे तो बहुत उम्मीद है मेरी एक्साइटमेंट आप नहीं देखते हो अगर मैं देखूं तो मैं 4-4 बजे उठता हूँ 4 बजे से जो काम करता हूँ 11-12 बजे तक करता हूँ मशीन बन गया हो पता नहीं चलता है इतना मशीन कैसे बन गया हो कि इतना समय क्योंकि इंडिया की सभी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज प्लस इनको मार्केटिंग सपोर्ट इनको सब कुछ करते करते प्लस बाकी शून्य का करते करते ये सब करता हूँ फिर भी मैं 1 घंटा आराम से शांति से बैठ सकता हूँ और ये कला हम कल आपको सिखाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी पावरफुल चीज है
अगर चक्कू किचन में काम करने वाली होती है तो उसको 5 मिनट तो कहीं ना कहीं धार वाले के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो अगर हमको इस संसार में कहीं ना कहीं अपना काम करना है तो कहीं ना कहीं इस मन को शांत ही करना पड़ेगा, समझ में आया। क्योंकि आपने कभी आर्मी देखी है, आर्मी मार्च पास क्यों करती है, एक साथ करती ना, एक साथ बड़ा बड़ा हो जाए वो। आपने कभी सोचा अरे जब जंग होती तो एक साथ नहीं करते, तब तो अलग अलग करते, कोई इधर जाता उधर, फिर एक साथ प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, समझ में। एक साथ प्रैक्टिस करने का मतलब सिंक होना, ओके, ताकि जब तुम बिखर जाओ तो वापिस एक साथ आ सके, समझ में आया। इसलिए गैदरिंग होती है, ये गैदरिंग से आप एक साथ आते हो, जब मार्केट में जाते हो बिखर जाते हो, और जब वापिस वक्त में आया तो वापिस साथ में आते हो। ये जब तक करते रहोगे इस संसार को पूरी तरह से आप स्पेशली डीएक सिंह के नाम से पूरी तरह कवर कर दोगे और ये आपकी लाइफ को बदल देगा, क्या आपको गारंटी है। ओके, डीएक सिंह करेंटली इज वैल्यूड एट अराउंड 3.5 बिलियन के आसपास, मतलब करीबन अराउंड 25-30 या 40 करोड़ के आसपास, बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, बहुत बड़ी कंपनी है। डीएक सिंह के एसेट की लिस्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 आइलैंड है, वो आइलैंड से छोटे छोटे जमीन नहीं है, टापू दिखता है पानी के इर्द गिर्द वो खरीद लेता है, पहाड़ दिखता है आदमी पहाड़ पे जमीन खरीदता है, ये पहाड़ का पहाड़ खरीदता है भाई, कुछ पहाड़ है उन्होंने खरीदे अभी 70,000 एकड़। अब 70,000 एकड़ आदमी चलेगी तो उसकी जिंदगी में ही खत्म हो जाए, राइट। आदमी का सोच देखो 30 साल में वही प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट रेंज इसी के थ्रू पूरी दुनिया में फैल के उसने किया, और इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है, एक प्रोडक्ट के पीछे फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है, इनको पता रहता है। आपका काम तो सिर्फ इसको प्रमोट करना है, आपका काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब करने के बाद वो इतना बोला आप सिर्फ प्रमोट और ये करोगे, एक ही काम करोगे तो आप तो इससे भी ज्यादा कर सकते हो, ये सर। ओके, सो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रेट चांस है, तो मैं चाहूंगा, दिल से चाहूंगा कि मुंबई जो है दुनिया की सबसे बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कवर करने वाली सिटी है, जो बड़े बड़े कंट्री के साथ कंपेयर कर सके। अगली टाइम ऐसा होना चाहिए, एशिया का सबसे हाईएस्ट सिटी पेरू, राइट। पेरू एक देश है, उसके साथ अगर कंपेयर करना चाहिए तो उन्होंने मुंबई सिटी कंपेयर करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मुंबई सिटी, तब मजा आएगा, समझ में। फिर उनको बोलेंगे अच्छा ये पेरू इसका सेल हमारे मुंबई सिटी से कम है, ओके, ये आपका बोलिविया ये हमारे पुणे के सेल से थोड़ा कम है। जब ऐसे सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन होगा तब मेरे देश का नाम कैसे होगा, नंबर वन होगा। और यही मैं चाहता हूँ, यही उम्मीद के साथ आपके पास आया हो कि मेरे एक सपना है मेरे देश का नाम पूरी दुनिया, फिर वो स्वीडन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वो मंगोलिया हो या अफ्रीका हो, डॉक्टर लिंग जहां है वहां आज एक चीज जरूर जाती है, वो है इंडिया। और इंडिया को जाते हुए आप लोग अगर मदद कर सकते हो तो इसको यहाँ पे इतना बड़ा करो कि पूरी दुनिया देखने आ जाए कि अब अगर डीएक्सएन देखना है तो मलेशिया में कहां जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में हीरे हैं, समझ में आया। इंडिया में कुछ अजीबे है जो सिर्फ और सिर्फ इन बाहर वालों को नहीं ला रहा, डॉक्टर लिम को भी इंडिया में ले गया, सोचो इतना कि अगर आखिरी के समय जिंदगी के अगर वो कहां बिताएंगे ना, मैं बताता हूँ कहां बिताएंगे, सपना है। ओके, तो इतना बड़ा आदमी जिस देश में आके जीना चाहता है रहना चाहता है, हमारा तो नसीब अच्छा है, हम तो यही पैदा हो गए यही पे रह गए, राइट और रॉन्ग, सिर्फ हमको क्या करना है इसको बेहतरीन करना है, इसको पॉलिश करना है, इसको अच्छा करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी भी यूज करना है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इफ देयर एनी क्वेश्चंस, अगर किसी को सवाल विवाल हो गए तो प्लीज, मैं हूं यार कल तक भी हूं, तो आपको कोई भी सवाल होगा पहले तो डर निकाल दो, ओके, कोई भी चीज की आपको कमी हो या जरूरत हो या आपके सवाल हो पूछो, सिर्फ मिला उसी इंसान को है जिसने पूछा है, जिसने पूछा ही नहीं वो तो अपने सपनों में अपने मन की कहानियों में घूमता रहा, राइट। अपनी अपने पे भरोसा मत करना, जितना अपनों ने धोखा दिया है जिसने किसी ने नहीं दिया, राइट ब्रो, तो अपने भी भरोसा मत करना, लेकिन किसी एक व्यक्ति जिसने कुछ हासिल किया उसकी सलाह जरूर मानना,
वो तुम्हें वही देगा जो उसने पाया है। और डॉक्टर लिव ने बहुत कुछ पाया है। अगर हमारे गुरु है, हमारे कोई टीचर है, हमारे कोई ट्रेनर है, और हमारे कोई जिसको हम फॉलो कर सकते हैं वो हमारे डॉक्टर लिव। और इसी के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत रेयरली ऐसी संसार में लोग पैदा होते हैं उसमें से एक जीनियस हमारे साथ है जिसके साथ हम काम करते हैं। और फिर नसीब वाले हम लोग कि एक जीनियस जो अभी भी जिंदा है, सांस ले रहा है, उस जीनियस के साथ हम काम कर रहे हैं, उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आने वाले कल में ये कहानी होगा, एक पात्र होगा, उसके पहले फिर आपको जब कहानी बतानी पड़ेगी तब आप कहानियां बोल पाओगे। लेकिन अभी तो जिंदा है, अभी तो वक्त है, अभी तो कुछ करने का मौका है, कर लो जितना हो सके। ये वक्त फिर नहीं आएगा। ओके, तो जो भी हो सकते पूरी 100% जान लगाओ डीएक्शन में। पर अभी जो फेज टू आ रहा है 2.0 ओके डीएक्शन का पोस्ट कोविड, इसको हमको दिखाना है कि हम डीएक्शन जो है डीएक्शन नॉट ओनली इंडिया नंबर वन कंपनी बट द वर्ल्ड नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जिसके पास कोई वैल्यू सिस्टम है जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, एक ऐसी संस्कार वर्ग है जहाँ पे लोगों के संस्कार बनाए जाते हैं। ओके, शेयर और मन के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक जोड़ा होनी चाहिए सबके।